राजकीय मध्य सउत्क्रमित उच्च विद्यालय खूंटी के कालामाटी गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल है, जहां कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई होती है। नेशनल हाईवे 75 के ठीक बगल में स्थित यह विद्यालय बच्चों के अधिगम स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यालय कई तरह की गतिविधियां सुबह की सभा में ही कराता है, जैसे आज का सुविचार, न्यूज़पेपर हेडलाइन, प्रश्नोत्तरी, भाषण प्रतियोगिता, महापुरुषों की तरह वेशभूषा प्रतियोगिता आदि। विद्यालय में सबसे पहला तो हमारे यहाँ SOP आया हुआ था, जिसमें के अंतर्गत ये बताया गया था कि हमें किस तरह से मॉर्निंग असेंबली करना है। हमने कोशिश किया कि बच्चों पे इंग्लिश का थोड़ा प्रभाव और ज़्यादा हो, इसलिए हमने जो प्रेयर है या सॉन्ग्स है वो टोटल इंग्लिश में करने का प्रयास किया है। 30 सेकेंड्स का इंग्लिश में प्रेयर करते हैं, उसके बाद प्रेयर सॉन्ग होता है, वो भी इंग्लिश में ही होता है, और फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग हिंदी में करते हैं। साथ ही साथ थॉट ऑफ द डे इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। फिर वो लोग किसी कवि हो या किसी प्रसिद्ध राइटर या फिर कोई महान व्यक्ति, उनके बारे में वो उनका परिचय देते हैं, उसका जीवनी बताते हैं। प्रभावशाली अधिगम के लिए विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है। हमारे विद्यालय में साइंस लैब है, जिसकी सहायता से हम विद्यार्थियों को साइंस के विषय में जो भी एक्टिविटी होती है क्लास में, वो लैब में अच्छे से उस बच्चों को बताते हैं। हर वर्ष विज्ञान की वार्षिक प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसमें कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी भाग लेते हैं। इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम के तहत हर वर्ष विद्यालय में विद्यालय से बच्चों का चयन होता है। इस वर्ष भी 2023 में हमारे विद्यालय से 3 बच्चों का चयन हुआ है। हमारे विद्यालय से 2 वर्ष बच्चों और शिक्षकों द्वारा बनाई गई विज्ञान फिल्म का चयन राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के लिए हुआ। विद्यालय में स्मार्ट क्लास लगाया गया है, जिसके माध्यम से हम विज्ञान विषय को बच्चों को अच्छे से समझाते हैं, जिससे विज्ञान विषय और भी बहुत सारे सब्जेक्ट को, जो भी हार्ड सब्जेक्ट है उनको बच्चों को बताने में समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। बच्चे अच्छे से वीडियो देखते हैं, उसके द्वारा हम अच्छे से बच्चों को बताते हैं। अच्छे अधिगम के लिए विद्यालय कई तरीकों से का उपयोग करता है, मसलन ICT, शैक्षणिक भ्रमण, लर्निंग बाय डूइंग इत्यादि। विद्यालय के बच्चों के लिए कई क्लब चलाए जाते हैं। चुनाव प्रक्रिया की जानकारी के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब चलाए जाते हैं। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के तहत हमारे स्कूल में 20 बच्चों को क्लब में रखा गया है, और इनके माध्यम से हम लोग गांव में रैली निकालते हैं, और जिसमें हम लोग चुनाव से संबंधित नारे और जागरूक करने का काम करते हैं। और विद्यालय में भी रंगोली कार्यक्रम, क्विज कॉम्पिटिशन और स्मार्ट क्लास में उन्हें वीडियो दिखा करके और चुनाव की प्रक्रिया क्या हो, कैसे होती है, क्यों चुनाव आवश्यक है, और स्कूल में भी स्लोगन कॉम्पिटिशन, ये सब करके हम लोग बच्चों को, हमारे जो क्लब के बच्चे हैं, जो 20 बच्चे हैं, उनके माध्यम से हम लोग अवेयरनेस लाते हैं, और ताकि वो लोग जब अपने घरों में जाएँ, अपने गाँव में जाएँ, तो अड़ोस पड़ोस में ये सारी बातें बताएंगे तो लोग जागरूक होंगे। जो लोग बहुत लोग अभी तक चुनाव से जानकारी उनको नहीं है, तो इस कार्यक्रम माध्यम से हम लोग उनको तैयार करते हैं। बच्चों के माध्यम से हम गार्जियन को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हम लोग प्रभात फेरे निकालते हैं, ताकि गांव वाले सुने और वो जाने कि भाई ये चुनाव होता क्या है, और एक सही उम्मीदवार को वो चुन सके। क्योंकि जब हम लोग नारे लगाते हैं तो हम लोग का नारा में यही चीज रहता है कि जब भी हम लोग वोट करने जाएं तो हम लोग लालच में नहीं आकर सही उम्मीदवार को चुने, यही सब हमारा उद्देश्य होता है। और ये चुनाव आयोग के द्वारा ही ये सभी स्कूलों में ये इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब खोलने का प्रावधान किया गया है, ताकि गांव-गांव के लोगों को ये जागरूक किया जाए और वोट देने से कोई पीछे ना रहे। धन्यवाद। इसी तरह से विद्यालय में लीगल लिटरेसी क्लब, क्विज क्लब, ड्रामा क्लब भी सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। विद्यालय में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। विद्यालय को वर्ष 2021-22 के लिए जिले स्तर पर स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
विद्यालय के कुछ खाली स्थानों पर पोषण वाटिका का भी निर्माण किया गया है जहां बागवानी की जाती है। साग सब लगाया हुआ है, जब ये तैयार होता है तो फिर जो एमडीएम बनता है बच्चों का उसमें वो जाता है। तो अभी इससे पहले भिंडी वगैरह लगा था जो कि गया था, और अभी लगा हुआ है साग में ये सरसों साग है और धनिया पत्ता वगैरह है, और मूली भी बच्चे लोग लगाए हैं। तो अभी ये हुआ नहीं, ये होगा, फिर ये जब तैयार होगा तो ये भी जाएगा। और इसमें समय समय पर पानी देना या कोरा करना या घास चुनना या जो भी चीज़ डालना है वो डालते हैं ताकि पौधे जो है वो सुरक्षित रहें और अच्छे से मतलब बढ़ें और अच्छा हो। पढ़ाई के अलावा बच्चों को खेलकूद के लिए भी समान अवसर दिए जाते हैं। हमारे विद्यालय में बहुत सारा खेल खेला जाता है जिसमें मुख्य रूप से खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल है, और एथलेटिक्स में भी बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, जितने भी दौड़ हैं, थ्रोइंग इवेंट्स हैं, जंपिंग इवेंट्स हैं, ये सभी। अच्छा, मॉर्निंग असेंबली में इसमें हर दिन का अलग रूटीन बना हुआ है, किसी दिन योगा होता है, किसी दिन मास पीटी होता है और किसी दिन एरोबिक्स होता है।